गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष उमर गद्दी के नेतृत्व में भूमाफियाओं द्वारा चारागाह की जमीनों पर बसाई जा रही अवैध आवासीय कॉलोनियों को रुकवाने एवं भूमाफियाओं के खिलाफ धारा 91(6) लैंड रेवेन्यू एक्ट की कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उमर गद्दी ने बताया कि ग्राम मिर्जापुर में चारागाह भूमि खसरा नंबर 143 बे रास्ते की भूमि का खसरा नंबर 215 मिर्जापुर में स्थित है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लाट काट रखे हैं। पूर्व में तहसीलदार व पटवारी को शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील के कर्मचारियों की मिली भगत से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करवाया जा रहा है। ग्रामवासियों की मांग है करवाया जाए, साथ ही भूमाफियाएँ और उनके साथ देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ धारा 91(6) लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई हो। आइए देखते हैं संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। था वो खाली पड़ा हुआ था, उसके अंदर भूमाफियाओं ने रात रात में पूरी में कंप्लीट बाउंड्री करके और रोड बना के नक्शा बना दिया। उच्च अधिकारियों के हफ्ते पहले 2019 में 2020 में 2021 में भी हम लोग ज्ञापन और शिकायत दे चुके, उसकी ये प्रमाणित कॉपी है। वो ये साबित कर चुके तहसीलदार कि इन लोगों ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है, उसके बाद भी प्रशासन की कोई रूनी देंगी। आज फिर जब उन्होंने रोड बना करके और कंप्लीट उन्होंने नक्शा बना करके और प्लाट काट दिए, जब ग्रामवासियों को ये पता चला है कि रात रात में रोड बना दिया, प्रशासन को इस बात का ज्ञापन देने आए। उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। और मीडिया से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मौके पर जाकर देखें कि क्या हाल करा उन लोगों ने। कंप्लीट रोड को और रस्ते को और पूरे जो 143 नंबर खसरा था उसमें 1 इंच जगह के नीचे छोड़ करके 4.5 बीघा जमीन को पूरी को कब्जा कर लिया और रात रात में रोड बना दिया। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ आज ज्ञापन देने आए और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अगर नहीं करा तो सरकार में जा करके और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करेंगे। इसलिए मीडिया गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के ग्राम चूली में ताजपुर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने नायब तहसीलदार मुकेश शर्मा द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को JCB के द्वारा ध्वस्त किया गया। आइए देखते हैं मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।